हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि हमने अभी आज ही अपने 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं कैमरा कंपैरिजन बिटवीन आईफोन 12 इसका प्राइस और यहाँ पर हमारा वन प्लस 11R जो है उसका प्राइस। दोनों का प्राइस आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएगा, 35-36 हज़ार के आसपास ये दोनों फ़ोन यहाँ पर सेल में मिलने वाले हैं। एक आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, एक फ्लिपकार्ट पे। तो देख लेते हैं किसका कैमरा यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। बाकी डिज़ाइन वाइज देखें तो यहाँ पर दोनों डिवाइस काफ़ी कमाल के लगते हैं, और वन प्लस थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न लगता है, और नॉच यहाँ पर आईफोन की थोड़ी आउटडेटेड लगने लगी है। अब कैमरा डिटेल्स की बात कर लें, आईफोन में आपको 12 मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिल जाते हैं। वन प्लस में यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। आईफोन में आपको फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। अब कैमरा यूआई चेकआउट कर लेते हैं दोनों फोन्स का। तो आईफोन में सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है टाइम लैप्स, देन आपको स्लो मोशन, और यहाँ पर लेंस में स्विच कर सकते हो आप किसी में भी, वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी। देन वीडियो में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं 30 FPS, 60 FPS, और 4K में आपको यहाँ पर 60 FPS का ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम आपको 30 FPS तक ही देखने को मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट फोटो, और यहाँ पर भी आपको दो लेंसेज में स्विच कर सकते हो। देन पोर्ट्रेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, देन आपको पैनोरामा मोड, बस यही सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आप 11R के कैमरा UI की तरफ चलें, सबसे पहले आपको नाइट मोड, और यहाँ पर 2x का भी ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, ट्राईपॉड मोड वगैरह वगैरह। और यहाँ पर 4K आप 60 FPS में मैक्सिमम शूट कर सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज ये हो गई। बाकी यहाँ पर स्टेबल मोड आपको देखने को मिल जाता है, और लेंसेज में यहाँ पर स्विच कर सकते हो, बस वीडियो ऑन होते हुए नहीं कर सकते। देन फोटो का मोड, पोर्ट्रेट में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कितना आपको ब्लर वगैरह चाहिए, और मोर में आपको यहाँ सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर और डुअल व्यू वीडियो का। तो ये सारे आपको आईफोन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही सारे यहाँ पर आपको कैमरा UI देखने को मिलता है। अब चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, कैमरा सैंपल्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको आईफोन की फ़ोटोज़ ज़्यादा वाइब्रेंट देखने को लगेंगी। आईफोन की फ़ोटोज़ में कलर्स भी यहाँ पर नेचुरल रखने की कोशिश करी है। इस फोटो को आप देख सकते हो, सारे आपको नेचुरल कलर्स देखने को मिल जाएंगे। ये वाली फ़ोटो मुझे वन प्लस की ज़्यादा बेटर लगी, यहाँ पर कंट्रास्ट वगैरह ज़्यादा अच्छी है। इस फोटो में भी आप देख सकते हो वन प्लस ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है देखने में। आईफोन ने क्लोज टू नेचुरल रखा है कलर्स को। अब करते हैं डायनेमिक रेंज की बात। तो यहाँ पर थोड़े मुझे मिक्स रिजल्ट मिले। आईफोन की फ़ोटोज़ अभी तक मुझे अच्छी लग रही थी, बट जैसे ही अपोजिट टू लाइट यहाँ पर गए हम लोग, स्काई को एकदम ब्लोन आउट कर दिया यहाँ पर वाइट। डिटेल ज़्यादा यहाँ पर फोटो में आईफोन की में है, बट स्काई का कलर यहाँ पर गायब कर दिया। अब कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पर कलर साइंस का थोड़ा सा फ़र्क है दोनों ही में, और ज़्यादा वाइब्रेंट फ़ोटोज़ यहाँ पर मुझे वन प्लस की लगी। कलर स्काई को यहाँ पर अगेन आईफोन ने गायब कर दिया। ये फ़ोटो भी यहाँ पर मुझे वन प्लस की ज़्यादा बेटर लग रही है। वन प्लस यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करता हुआ। इस फोटो में भी आप देख सकते हो वन प्लस ने ज़्यादा अच्छी कलर्स वगैरह कैप्चर करे हैं। तो कलर्स के मामले में यहाँ पर वाइब्रेंट कलर्स मुझे वन प्लस के ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। अब ह्यूमन शॉट्स की तरफ चलें तो यहाँ पर वन प्लस ने काफ़ी ख़राब सा काम करा है, और मुझे यहाँ पर स्किन टोन ज़्यादा बेटर लगी है आईफोन की। वन प्लस ने ज़्यादा गोरा करने के चक्कर में यहाँ पर डिटेल्स वगैरह को मिस कर दिया। आईफोन काफ़ी अच्छी डिटेल कैप्चर कर रहा है, फ्रंट कैमरे में भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से डिटेल कैप्चर करी है आईफोन ने, और यहाँ पर मुझे वन प्लस की फ़ोटोज़ में रेड टिंट ज़्यादा दिखा। अब पोर्ट्रेट मोड की तरफ चलें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटोज़ भी यहाँ पर आईफोन की ज़्यादा बेटर लगी, और ह्यूमन शॉट्स में क्लियरली आईफोन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। वन प्लस को पता नहीं आज क्या ही हो गया है, ज़्यादा बेटर यहाँ पर फ़ोटोज़ निकाल के नहीं दे रहा है। सेल्फीज़ में भी डिटेल ज़्यादा यहाँ पर आईफोन की फ़ोटोज़ में है, वन प्लस यहाँ पर डिटेल्स भी मिस करता जा रहा है। पोर्ट्रेट मोड में भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी सेल्फीज आईफोन। वाइड एंगल की फ़ोटोज़ की बात करें तो यहाँ पर डिटेल ज़्यादा कैप्चर करी है वन प्लस ने, देख सकते हो आप यहाँ पर ट्री के पार्ट को। इस फोटो में आपको दोनों सही लगेंगे, बट अगेन यहाँ पर वही स्काई को ब्लोन आउट करने वाली चीज़ आईफोन में आ गई, और सारी फ़ोटोज़ में यहाँ देख सकते हो आप स्काई को ये
ढंग से मैनेज कर ही नहीं पा रहा है। वन प्लस की फोटोज यहाँ पर बाजी मार जाती हैं, जहाँ पर भी स्काई का कलर आ जाता है। अब जूमिंग कैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो दोनों की ये वाइड एंगल की फोटो है और जैसे ही आप जूम करोगे तो डिटेल ज़्यादा यहाँ पर आ जाती है आईफोन के पास। 2x फोटो भी यहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल आईफोन ने कैप्चर करी। 5x की फोटो मुझे यहाँ पर वन प्लस में ज़्यादा बेटर लगी, बाकी 10x पे आप वन प्लस में ही खींच सकते हो बस। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वन प्लस 11R के कैमरे से और यहाँ पर रेजोल्यूशन हमने 4K सेट किया हुआ है और चारों तरफ यहाँ पर आप कलर्स वगैरह देख सकते हो और बाकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी आ रही है फ़ोन की, ये सब आप चेकआउट कर सकते हो। हाय गाइस, ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आईफोन 12 के यहाँ पर बैक कैमरे से और रेजोल्यूशन हमने सेट कर रखा है 1080p 60fps और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन वगैरह आप देख सकते हो कैसा मिलता है। वॉक करते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और फ्रंट कैमरे से वीडियो की बात करूँ तो आईफोन ने पता नहीं क्यों यहाँ पर ज़्यादा लाइट सी मेरे फेस पर डाल दी और वन प्लस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा डल सी लगी। दोनों में से मुझे किसी की भी फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी बेटर नहीं लगी। किसी एक को पिक करना हो तो मैं वन प्लस को यहाँ पर पिक करूँगा। अब ऑटो फोकस की बात कर लेते हैं, दोनों ही फ़ोन में यहाँ पर आपको ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, बस वन प्लस में आपको बड़ा लेंस है तो इंटेंस ब्लर आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कलर साइंस भी मुझे यहाँ पर वन प्लस की ज़्यादा बेटर लग रही है। थोड़ी सी यहाँ पर आईफोन ने वाइट कर दिया। अब स्लो मोशन चेकआउट कर लेते हैं, दोनों यहाँ पर 240 फ्रेम्स पर बनी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ग्राउंड का कलर वगैरह बिल्कुल एकदम ब्लोन आउट हो गया आईफोन में। तो यहाँ पर आईफोन को थोड़ी सी ही यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करी गई हैं अपकमिंग मॉडल्स में, बाकी 12 में आपको इस तरह से। अब दोनों फ़ोन्स की रात की परफॉर्मेंस चेकआउट कर लेते हैं कैसी है। तो यहाँ पर वन प्लस के मुझे ज़्यादा बेटर कलर्स देखने को लगे, स्काई का यहाँ पर मुझे ये कलर भी ज़्यादा बेटर वन प्लस में लगा। यहाँ पर आईफोन में थोड़ा सा आपको वो डिटेल्स कम लगेगी फ़ोटोज़ में और थोड़ी सी ब्लरी भी मुझे इमेजेस लगी, ज़्यादा डिटेल यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करी वन प्लस ने। वन प्लस की फ़ोटोज़ मुझे ज़्यादा बेटर लगी रात की। अब ह्यूमन शॉट्स की बात कर लेते हैं, तो इनमें यहाँ पर मुझे नॉर्मल फ़ोटोज़ आईफोन की ज़्यादा बेटर लगी। यहाँ पर वन प्लस का कलर साइंस इसको ले गया येलो टोन में और जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही देखने में। फ्रंट की फ़ोटोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, कलर साइंस का थोड़ा सा फ़र्क है तो दोनों को पिक करना मुश्किल हो रहा है कौन सा। पोर्ट्रेट्स की तरफ चलें तो यहाँ पर किसी ने भी अच्छे पोर्ट्रेट्स यहाँ पर नहीं लिए हैं और आईफोन ने तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर मेरे फेस को एकदम गायब कर दिया। पता नहीं कैसा यहाँ पर कलर साइंस वगैरह यूज़ करा है। और वन प्लस की फ़ोटोज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फ्रंट में भी यही हाल है आईफोन का। वन प्लस ने काफ़ी अच्छा काम करा है फ्रंट कैमरे से, बैक कैमरे से उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं थी बट पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरे की फ़ोटोज़ अच्छी हैं। वाइड एंगल की बात कर लेते हैं दोनों में, तो वाइड एंगल की यहाँ पर आपको मिक्स से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोनों की फ़ोटोज़ कहीं कहीं पर कोई सी अच्छी लगेगी कोई सी अच्छी लगेगी तो पिक करना मुश्किल है। अब वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर वीडियो में आपको वन प्लस आपका क्लियरली देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा डिटेल यहाँ पर कैप्चर कर रहा है। 1080p पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रखी है और आईफोन की यहाँ पर बहुत ही अजीब सी लाइटिंग वगैरह को ये कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और फ्रंट वीडियो की मैं बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट वीडियो में मुझे आईफोन थोड़ा ज़्यादा सा नेचुरल सा लग रहा है, वन प्लस में थोड़ी सी यहाँ पर डल सी वीडियो लग रही है, कुछ यहाँ पर डिटेल्स वगैरह मिसिंग है। तो गाइज ये था मेरा कैमरा कंपैरिजन, बाकी यहाँ पर आपकी चॉइस कुछ और भी हो सकती है, मेरी प्रेफरेंस से अलग हो सकती है आपकी प्रेफरेंस फ़ोटोज़ में, कोई आपको फ़ोटोज़ किसी फ़ोन की बेटर लग सकती हैं। बाकी इन दोनों का आपको परफॉर्मेंस टेस्ट और फुल कंपैरिजन देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अब इसके ओवरऑल कंक्लूड मैं करूँ तो यहाँ पर आईफोन की आपको काफ़ी अच्छी ही देखने को मिल जाती है फोटोग्राफी, बट अगर ओवरऑल बात करें तो वन प्लस ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छी टक्कर दी है और काफ़ी इक्वली मैच होती हुई सी यहाँ पर फोटोज़ और वीडियोज़ दी हैं। वीडियोज़ के मामले में मुझे थोड़ा सा बेटर वन प्लस लगा है। आईफोन 12 आपको थोड़ा सा आउटडेटेड देखने को मिल जाता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो वीडियोज़ के मामले में,
फोटोज़ में यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है, बट स्काई जहाँ पर आ जाता है या फिर अपोजिट टू द लाइट उतनी अच्छे यहाँ पर रिजल्ट्स मुझे नहीं मिले हैं। तो अब फाइनली आईफोन 12 का कैमरा अपडेटेड हो चुका है, यहाँ पर आपको बेटर एंड्रॉयड में कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।